जय हिंद दर्शकों, मैं हूं जितेंद्र दीक्षित। जितेंद्र दीक्षित स्टोरीज में आपका स्वागत है। दर्शकों, अगर आपसे पूछा जाए कि महाराष्ट्र की राजनीति के वो कौन से ऐसे नाम हैं जो देश भर में चर्चित हैं, जिन्हें कि महाराष्ट्र के बाहर भी लोग जानते हैं, तो आप कहेंगे शरद पवार, अजीत पवार, उद्धव ठाकरे, अशोक चौहान, एकनाथ शिंदे। ये नाम तो है ही, लेकिन इनके अलावा भी एक और नाम है जिसे कि देश में सभी जानते हैं, जो अक्सर देश भर में या महाराष्ट्र के बाहर दूसरे राज्यों में और खास करके उत्तर भारत में चर्चा में रहता है। यह नाम है राज ठाकरे का। जी हां, राज ठाकरे भी महाराष्ट्र की सियासत के एक अहम खिलाड़ी हैं और बीते 4 दशकों से राज्य की सियासत में उनका दखल रहा है। राज ठाकरे पहले शिवसेना में थे, उनके सियासी करियर की शुरुआत शिवसेना से हुई, लेकिन 2003 में जब उद्धव ठाकरे को शिवसेना का कार्याध्यक्ष चुन लिया गया और पिता बाला साहेब ठाकरे के वक्त में पार्टी की कमान उनके हाथ में सौंप दी गई, तब से राज ठाकरे का मनमुटाव हो गया उद्धव के साथ। और वैसे भी राज ठाकरे शुरुआत से ही साइडलाइन फील कर रहे थे अपने आप को और ये महसूस कर रहे थे कि पार्टी में उनके बजाय उद्धव ठाकरे को ज्यादा तरजीह दी जा रही है और चुनाव के वक्त टिकट वगैरह बांटने की प्रक्रिया के दौरान भी उद्धव के लोगों को प्राथमिकता मिलती थी। तो ऐसे तमाम कारणों की वजह से साल 2005 में राज ठाकरे ने अपनी पार्टी छोड़ दी और उन्होंने नई पार्टी बनाई, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना। अब शुरुआत में इस पार्टी के लिए उन्होंने वही मुद्दा अपनाया जो उनके चाचा बाला साहब ठाकरे ने 60 के दशक में शिवसेना को स्थापित करते वक्त अपनाया था। यह मुद्दा था मराठी माणूस का, यह मुद्दा था पर प्रांतीय विरोध का, स्थानीय लोगों के रोजगार के लिए, स्थानीय लोगों की अस्मिता के लिए शिवसेना की स्थापना हुई थी। अब राज ठाकरे और बाल ठाकरे में फर्क सिर्फ यही था कि जब बाला साहेब ठाकरे ने पार्टी की स्थापना की थी तब उनकी मुहिम थी दक्षिण भारतीयों के खिलाफ, लेकिन जब राज ठाकरे ने अपनी पार्टी की स्थापना की तो उनके निशाने पर आए उत्तर भारतीय। और साल 2009 में जब पहली बार राज ठाकरे की पार्टी एमएनएस ने महाराष्ट्र विधानसभा का चुनाव लड़ा तो उसके पहले उत्तर भारतीय विरोध एक बड़ा मुद्दा उभर कर सामने आया। राज ठाकरे ने उत्तर भारतीयों के खिलाफ कई तीखे बयान दिए, काफी आक्रामक बयान दिए, उत्तर भारतीयों पर उन दिनों हमले हुए, महाराष्ट्र के कई शहरों में उत्तर भारतीय विरोधी दंगे हुए, राज ठाकरे की गिरफ्तारी भी हुई। और उस वक्त जो हवा चली उसमें राज ठाकरे को 13 सीटें हासिल हुई महाराष्ट्र विधानसभा में। अब आप कहेंगे कि महाराष्ट्र की विधानसभा में तो कुल 288 सीटें हैं, तो 13 सीटों का आंकड़ा कोई बड़ा आंकड़ा नहीं है, लेकिन भले ही जीत राज ठाकरे की 13 सीटों पर ही हुई हो, लेकिन उन्होंने कई सीटों पर शिवसेना के उम्मीदवारों को हराने का काम किया, एमएनएस के उम्मीदवारों ने वोट काटने का काम किया, क्योंकि सियासी गलियारों में यही चर्चा हुई कि एमएनएस के उम्मीदवारों की वजह से मराठी वोट बढ़ गए और शिवसेना को कई सीटों पर हार का सामना करना पड़ा। और यही वजह रही कि 2009 में कांग्रेस और एनसीपी सत्ता में वापस आ गए और बीजेपी शिवसेना गठबंधन को हार का सामना करना पड़ा, क्योंकि 1999 में भी कांग्रेस एनसीपी की सरकार आई, साल 2004 में भी कांग्रेस एनसीपी की सरकार आई और 2009 में जो कहा जा रहा था कि भारी एंटी इनकम्बेंसी है और उनके वापस आने के चांस नहीं थे, लेकिन उस बार भी कांग्रेस एनसीपी की सरकार महाराष्ट्र की सत्ता में वापस आ गई और इसमें एक भूमिका अदा की राज ठाकरे ने भी, जिनकी पार्टी की वजह से शिवसेना बीजेपी गठबंधन के वोट कटे और उनके उम्मीदवार हारे। खैर, 2009 में तो खाता खुल गया राज ठाकरे का, 13 सीटें मिल गई, लेकिन उसके बाद 2014 का जो चुनाव हुआ तो उसमें राज ठाकरे को सिर्फ एक ही सीट हासिल हुई, एक से ज्यादा सीटों पर एमएनएस उम्मीदवार नहीं जीत पाए, हालांकि उन्होंने कई सारी सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे। फिर 2019 में वापस उनकी पार्टी ने विधानसभा का चुनाव लड़ा, उसमें भी सिर्फ एक ही सीट हासिल हो पाई, एक से आगे उनकी पार्टी नहीं बढ़ पाई। अब इस साल फिर से विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं 2024 में,
और फिर से राज ठाकरे तैयारी कर रहे हैं उन चुनावों को लड़ने की। लेकिन 2019 से लेके 2024 के बीच में काफी बदलाव हुआ है। 2019 की अगर बात करें तो राज ठाकरे बीजेपी विरोधी थे। 2019 के लोकसभा चुनाव के पहले राज ठाकरे घूम घूम कर, हालांकि उन्होंने लोकसभा चुनाव लड़ा नहीं था, लेकिन लोकसभा चुनाव के पहले उन्होंने बीजेपी विरोधी कैंपेन की थी और घूम घूम कर जगह जगह पर उन्होंने रैलियां लेकर बड़े बड़े स्क्रीन पर वीडियोस दिखाए थे कि किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कथनी और करनी में फर्क है। और उनके वो वीडियो की श्रृंखला लाओ रे तो वीडियो नाम से मशहूर हुई थी। लेकिन फिर होता यह है कि ईडी का नोटिस आ जाता है राज ठाकरे के पास, राज ठाकरे को बुलाया जाता है ईडी के दफ्तर में, 8-9 घंटे उन्हें ईडी के दफ्तर में बैठना पड़ता है उन्हें। और फिर उसके बाद राज ठाकरे बीजेपी का विरोध करते नजर नहीं आते, कम से कम उस मुखर तरीके से करते नजर नहीं आते जैसा कि वो 2019 तक कर रहे थे। और फिर एक और डेवलपमेंट होता है, जनवरी 2020 में राज ठाकरे अपनी पार्टी का झंडा बदल देते हैं। जो चार रंगों का झंडा होता है वो भगवा हो जाता है, भगवा ध्वज अपना लेते हैं, और भगवा अपनाने के साथ ही वो अपनी पार्टी के एजेंडे के तौर पर हिंदुत्ववाद को अपना लेते हैं। अब तक मराठीवाद की राजनीति कर रहे थे राज ठाकरे, लेकिन फिर उन्होंने हिंदुत्ववाद अपनाया। और इसके पीछे कारण यह था कि शिवसेना जो एक कट्टर हिंदुत्ववादी पार्टी मानी जाती थी वो एक तरह से सेकुलर हो गई, क्योंकि कांग्रेस और एनसीपी के साथ उसने हाथ मिला लिया और वो जो मुस्लिम विरोध वाला एलिमेंट था वो शिवसेना से खत्म हो गया। तो एक ऐसे पार्टी की स्पेस नजर आई जो कट्टर हिंदुत्ववादी हो, और राज ठाकरे ने हिंदुत्ववाद अपनाकर उसी स्पेस को भरने की कोशिश की। अब हिंदुत्ववाद अपनाने के बाद में अपने आप को एक हिंदुत्ववादी नेता की ब्रांडिंग करवाने के लिए राज ठाकरे ने कई विवादित बयान दिए, कई विवादित मुहिम शुरू की। उनमें से एक मुहिम थी मस्जिदों से लाउडस्पीकर पर जो अजान दी जाती है वो वाली, उसके खिलाफ उन्होंने कहा कि अगर कोई मस्जिदों से लाउडस्पीकर पर अजान देगा तो फिर हमारे कार्यकर्ता मस्जिदों के सामने जाकर हनुमान चालीसा बजाएंगे। उस पर काफी विवाद मचा, काफी बवाल हुआ था। इतना बवाल हुआ कि कुछ जो मुस्लिम नेता एमएनएस के साथ जुड़े थे उन्होंने गुस्से में आकर पार्टी छोड़ दी थी। फिर उनके कार्यकर्ता उनको हिंदू जननायक कहने लगे, जैसे कि बाला साहेब ठाकरे को हिंदू हृदय सम्राट कहा जाता है वैसे ही उनको एक तमगा दिया गया हिंदू जननायक का। तो फिर यह चर्चा छिड़ी कि अब चूंकि राज ठाकरे भी हिंदुत्ववादी हो गए हैं तो बीजेपी के साथ उनका गठबंधन हो सकता है, और अब वो पॉलिटिकली अनटचेबल नहीं रह गए, क्योंकि पहले तमाम राष्ट्रीय पार्टियां जो है राज ठाकरे को साथ लेने से इसलिए कतराती थी कि अगर यहां राज ठाकरे को साथ लिया तो यूपी बिहार और दिल्ली में जो है समस्या हो जाएगी, वहां पर उनकी पार्टी को नुकसान हो सकता है। लेकिन अब तो राज ठाकरे भी हिंदुत्ववादी हो गए। तो इस बीच में बात चल रही थी राज ठाकरे की पार्टी की बीजेपी के साथ में, एक दो दौर की मीटिंग्स भी हुई। अभी हाल में एक मीटिंग हुई मुंबई बीजेपी के अध्यक्ष आशीष शेलार और राज ठाकरे की पार्टी के नेताओं के साथ में, और उससे ये चर्चा गर्म हो गई कि राज ठाकरे और बीजेपी के बीच गठबंधन हो सकता है। लेकिन अब जो जानकारी मिल रही है कि बात कुछ बन नहीं रही, बीजेपी की तरफ से सामने से ऑफर आ नहीं रहा है राज ठाकरे को साथ में लेने का, और एक तरफ से ये फीलर्स दिए जा रहे हैं कि अगर राज ठाकरे को गठबंधन करना है तो एकनाथ शिंदे के साथ में कर लें, और एकनाथ शिंदे के कोटे में महायुति के सीटों के बंटवारे में जो एकनाथ शिंदे के कोटे में जो सीटें आएंगी उनमें से 2-3 सीटें जो है एकनाथ शिंदे छोड़ दें राज ठाकरे के लिए। लेकिन ये होता मुमकिन नहीं लग रहा क्योंकि महायुति में ही इस वक्त खींचतान चल रही है सीटों के बंटवारे को लेकर, तो उसमें राज ठाकरे कैसे अकोमोडेट होते हैं इस पर बड़ा सवाल है। अब राज ठाकरे ये कर रहे हैं जो सूत्र बता रहे हैं एमएनएस के कि राज ठाकरे अपनी तैयारी शुरू कर रहे हैं अकेले चुनाव लड़ने की, और इसी सिलसिले के तहत मंगलवार से वो मुंबई की जो 6 लोकसभा सीटें हैं हर एक लोकसभा सीट में अब वो दौरा करेंगे, वहां के नेताओं से कार्यकर्ताओं से मिलेंगे और चुनाव की तैयारी करेंगे। जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक, मैंने पहले भी एक वीडियो में आपको बताया था कि 14 सीटें महाराष्ट्र की आइडेंटिफाई की हैं, जो मुंबई, मुंबई के पड़ोसी शहर ठाणे, फिर उसके पड़ोस में कल्याण, फिर नासिक और पुणे, इन शहरों की कुल मिला के 14 सीटें ऐसी हैं जहां से राज ठाकरे चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। तो देखते हैं कि राज ठाकरे की पार्टी क्या अकेले चुनाव लड़ती है या फिर महायुति के साथ उसका कोई गठबंधन हो पाता है। जो भी होगा वो खबर मैं आप तक लेके आऊंगा। जुड़े रहें जितेंद्र दीक्षित स्टोरीज के साथ। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, और अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद।